तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका वेलकम है। वीडियो में आज हम क्या करने वाले हैं ये आपको वीडियो के टाइटल से पता लग ही गया होगा। तो शुरू करने से पहले देखिए, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। 3.3 में आपसे कहा है कि आयरन, जिंक, लेड और कॉपर, इन मेटल्स के जो है वो पीसीस लीजिए, इन्हें एक आयरन के ब्लॉक पर रखिए और हैमर की हेल्प से जो है 4 to 5 times जो है वो स्ट्राइक कीजिए और अपनी ऑब्जर्वेशन को नोट कीजिए। तो देखिए क्या होगा, जब जो है हम इन मेटल्स को, क्योंकि इसमें आगे ये भी कहा है ना कि आप सभी मेटल्स के साथ जो है इस एक्टिविटी को कीजिए, तो देखिए जब हम सभी मेटल, जो हमारी गिवन मेटल्स हैं, इनको हैमर की हेल्प से जो है 4 to 5 times जो है वो स्ट्राइक करेंगे तो मेटल्स की जो शेप है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप कंटिन्यू में हैमर की हेल्प से जो है स्ट्राइक करते रहेंगे लंबे टाइम तक, तो हम जो है उनको शीट्स में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। इस एक्टिविटी का जो मेन एम था वो आपको मेटल्स की जो है वो एक बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टी, जिसे हम मैलिएबिलिटी के नाम से जानते हैं, ये बताना था कि सभी मेटल्स जो है वो मैलिएबिलिटी को शो करती हैं, वो मैलिएबल होती हैं। और मैलिएबिलिटी क्या होती है, मैलिएबिलिटी हमारी मेटल्स की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम मेटल्स को जो है वो बीट करके, हैमर की हेल्प से जो है स्ट्राइक करके थिन शीट्स में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मैलिएबिलिटी, और ऐसी मेटल्स जो मैलिएबिलिटी को शो करती हैं उन्हें हम कहते हैं मैलिएबल मेटल्स। मोस्ट ऑफ द हमारी मेटल जो है, जनरली सभी मेटल्स हमारी मैलिएबल हैं, कुछ ज़्यादा मैलिएबल हैं, कुछ कम मैलिएबल हैं। जैसे कि गोल्ड और सिल्वर, ये हमारी सबसे ज़्यादा मैलिएबल मेटल्स हैं। आप इनसे जो है काफ़ी थिन शीट्स, मेटल की सबसे पतली शीट्स जो है वो हम गोल्ड और सिल्वर मेटल की जो है वो बना सकते हैं। सबसे ज़्यादा मैलिएबल मेटल्स हमारी गोल्ड एंड सिल्वर। आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद है ये एक्टिविटी आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।